अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं यूनिक डिज़ाइन बाय नाज। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आपको 3 मीटर कपड़े में फुल घेर गाउन की कटिंग करना बताऊंगी, जो बहुत ज़्यादा इजी है। और फ्रेंड्स, ये 3 मीटर कपड़ा है और ये बाकी के बचे हुए जो लेस के टुकड़े होते हैं बचे हुए, तो इनसे हम अपने फ्रॉक को डेकोरेट करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ कुछ अजीब सी सुनाई देती होगी, बट एक्चुअली मेरे मुँह में दाने हैं तो बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पिछली वीडियो में तो मैंने अच्छी खासी रिकॉर्डिंग कर ली थी, बट अब मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है बोलते वक्त, दाने से हो गए हैं और मिर्चें भी लग रही हैं खाना खाते वक्त। तो फ्रेंड्स, ये 3 मीटर कपड़ा है, तो सबसे पहले इसमें से हम 2 या 2.5 मीटर फोल्ड करके रख लेंगे अपने कपड़े को, ठीक है। और बाकी का जो 1 मीटर बचेगा उसमें से स्लीव्स और टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसमें से 3 मीटर कपड़े इसमें से फोल्ड कर लूँगी। तो चलिए, 2.5 मीटर कपड़े इसमें से फोल्ड कर देंगे, 2 या 2.5 मीटर हम फोल्ड कर देंगे इसमें से। तो चलिए मैं फोल्ड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें से 2.5 मीटर कपड़ा अपना फोल्ड कर लिया है और बाकी का बचा हुआ है, तो इसमें से हम टॉप और अपनी स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। और अब देखिए, मैं एक कॉर्नर पकड़कर एक कॉर्नर के ऊपर रख दूंगी, इस तरीके से कोन शेप बना देंगे हम। बहुत ज़्यादा इजी है गाउन की कटिंग करना और काफ़ी इजीली आप फुल घेर का गाउन कटिंग कर सकते हो। और अब तो होली भी आ रही है, तो होली पर यह सिंपल सा गाउन बनाए अपने लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, खुली साइड है इधर और एक बंद साइड है, ठीक है। इस तरीके से हमें तो इधर से निशान लगाना है, जिधर से हमारी एक बंद साइड है और एक खुली साइड है, ठीक है, उधर से ही हमें अपना निशान लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ से आपको कमर बता देती हूँ। आपके जितनी भी कमर है, इंची टेप कैसे फोल्ड कीजिए, तो फोल्ड करके हमारा आधा आ जाएगा, फिर जो भी आधा आया तो उसका आधा कर लें, चौथा हिस्सा लेना है हमें। तो ये 7 इंच आ गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर अपने इंची टेप को ऐसे सीधा करके रखना है, 7 इंच पर अपना इंची टेप हम सीधा करके रख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इससे हमारी जो भी कमर है एकदम परफेक्ट आने वाली है, ना ही लूज़ रहेगी ना ही टाइट रहेगी, एकदम फिटिंग में आने वाली है। तो इस तरीके से दोनों तरफ निशान लगा दें। अब हमें मार्क बिल्कुल ऐसे ही सीधा नहीं करना है। अभी देखिए, यहाँ से 8 इंच आया और 8 इंच हम इधर से नाप लेंगे, तो यहाँ से गोलाई देकर हम कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हमारी कमर का बहुत अच्छा शेप आएगा, ठीक है। तो सीधा निशान नहीं लगाना है, इस तरीके से गोल निशान लगा लें इस तरीके से, ठीक है। 7 इंच आ जाएगा अगर हम राउंड में नापेंगे तो। उसके बाद देखिए, हम अपना जो टॉप है तो वो देखेंगे कितना रखना है। मैं यहाँ पर 13 इंच रख रही हूँ, तो 13 इंच हमें बाहर निकाल देना है, मतलब जो भी हमारा टॉप है वो हमने बाहर निकाल दिया है। उसके बाद जितनी भी हमारी लेंथ है, फुल लेंथ रहेगी इसमें, इस तरीके से। और उसके बाद हमें ये नापना है कितना भी आता है, तो जितना आपका फुल आता हो तो उतना ही हमें ये रख देना है, ठीक है। ये मार्क मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए, हम इन निशानों से देखेंगे तो 35 इंच आता है, 13 का हमारा टॉप रहने वाला है, 35 इंच है, तो ये हमारी लेंथ बिल्कुल फुल आ जाएगी। आपकी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा लेंथ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, 35, अगर आपकी लेंथ इतनी बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ पा रही है या कम रह रही है, तो आप क्या करना, ये नीचे तक ले आएंगे हम, उधर जो गोलाई आएगी तो उसमें हम इसमें जॉइंट लगा देंगे, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी निशानों को हम अच्छे से सीधा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें अपना मार्क कर लेना है, बिल्कुल राउंड में देना है हमें ये। मैं डार्क कर देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, ठीक है। उसके बाद इन्हीं निशानों पर हमें कटिंग कर देना है। पहले भी मैंने एक गाउन की कटिंग बताई थी, इससे भी फुल घेर था हमारा गाउन 5 मीटर कपड़े में, तो आप वो वीडियो देख सकते हो चैनल पर जाकर, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये लास्ट में स्क्रीन में आ जाएगा तो आप देख सकते हो, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे से कटिंग सीख पाओगे और अपने लिए एक अच्छे से गाउन बना लोगे। तो इस तरीके से ये कटिंग मुझे कर देनी है।
फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल को भी दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटिंग कर लिया है। अगर आपको देखना है कि हमारी गुलाई एकदम परफेक्ट है, दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक आती है, तो एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरीके से मिलाकर देख लें। अगर थोड़ी बहुत भी गोलाई में कमी होगी तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इतना हमारा गाउन आया है। देखिए इतना घेर आया है इसमें, मैं आपको पूरा फैलाकर दिखाती हूँ कितना घेर आया है आपके 2.5 मीटर कपड़े में। तो इतना घेर है, ये आगे पीछे दोनों का है, ये हमें बीच से कटिंग नहीं करना है इसको, ठीक है। इस तरीके से हो गया है। और आपको अगर फुल घेर केवल फ्रंट पार्ट का ही बनाना है तो आप इतना ले सकते हो, कमर आप थोड़ी सी कम करेंगे। जो मैंने चौथा हिस्सा लिया है तो आप दूसरा हिस्सा लीजिए। उसके बाद 2.5 मीटर कपड़ा आपको और लगने वाला है, तो 5 मीटर में आपका इतना घेर हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम अपना टॉप निकाल लेते हैं। तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लें अच्छे से, इस तरीके से हमने फोल्ड करके रख लिया अपने कुर्ती की तरह। देखिए इधर हमारी एक साइड बंद है और एक साइड खुली है, ठीक है। इस तरीके से हमने डबल फोल्ड किया है। उसके बाद जैसे भी हमें निशान लगाने होते हैं अपनी कुर्ती में, उसी तरीके से हम अपने टॉप में भी निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़ा यहाँ से सीधा कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये कपड़ा सीधा कर लिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से मैं 7 इंच लूँगी अपना जो हम शोल्डर ले रहे हैं। उसके बाद आर्म होल ले लेंगे। जितनी भी आपकी फिटिंग है आप अपने फिटिंग के हिसाब से ही कट करें। मैं यहाँ पर अपने फिटिंग के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ, कटिंग सेम ही रहेगी, बस आपको अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ही कटिंग करना है। यहाँ पर बहुत आसान है कटिंग करना, ऐसे ही हम ब्लाउज़ को भी कटिंग कर सकते हैं, बस उसमें प्लेट की थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप लोगों को ब्लाउज सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर सिखाऊंगी। उसके बाद हमें लेंथ ले लेनी है, तो लेंथ मैंने आपको बताई थी 13.5 ले रही हूँ मैं, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, 1/2 इंच ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 13.5 इंच ले रही हूँ, इधर भी हम 13.5 रख देंगे। उसके बाद इन निशानों को हमें अच्छे से मिला लेना है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो, 14 से 15 इंच ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें जितनी भी हमारी कमर थी उसका निशान लगाया, चेस्ट का निशान लगाया, उसके बाद तिरछा हमें ये मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इन निशानों पर ही हमें इनको काट देना है। फ्रेंड्स, मेरे एक न्यू चैनल है नाज ब्लॉग नाम से, मैं उस पर ब्लॉग वीडियो डालती हूँ, फैमिली वीडियो डाला करती हूँ मैं उस पर। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और चेक करिएगा, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने ये कटिंग कर लिया है, ठीक है। ये फ्रंट और बैक दोनों हैं हमारे। उसके बाद बैक का हमें, सॉरी, फ्रंट का हमें आर्म होल कटिंग कर लेना है। जो भी हम छाटेंगे तो इस तरीके से यहाँ से कटिंग करते हैं फ्रंट का आर्म होल, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर कटिंग कर देनी है। तो ये आर्म होल हमने कटिंग कर दिया है। देखिए इस तरीके से ये फ्रंट और बैक दोनों हो गए हैं हमारे। अब बचे हुए कपड़े में से हम अपने स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर वॉल स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ, जो न्यू डिज़ाइन आया है, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी मेरे पास, तो मैंने पहले से ही इसका वीडियो अपलोड कर दिया है स्लीव्स का। अगर आप चाहते हो तो आप इस पर भी सीख सकते हो, और आपको अच्छे से सीखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से कटिंग सीख सकते हो। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी स्लीव्स है तो स्लीव्स की लेंथ में 13 इंच ही ले रही हूँ मैं यहाँ पर, और आपको कम या ज़्यादा रखनी है, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी मोरी का निशान लगा लेते हैं। छोटी ही स्लीव्स रहेंगी हमारी, जो एल्बो है उससे थोड़ी सी ऊंची ही स्लीव्स रहेगी ये,
उसके बाद भी जो भी झालर वगैरह होगी वो नीचे आएगी, तो हमारी पूरी स्लीव्स हो जाएगी। 13 इंच लेंथ ली है मैंने इसकी। उसके बाद इसको हमें कटिंग कर देना है सिंपल तरीके से, जैसे हम स्लीव्स कटिंग करते हैं ठीक उसी तरीके से हमें स्लीव्स कटिंग करनी है, लेकिन लेंथ को हमें थोड़ा सा कम कर देना है। 13 इंच रख रही हूँ, एल्बो से हमारी ऊँची रहेगी स्लीव्स, ठीक है। अब इसको हमें साइड से रख देना है, और जो भी हमारा कपड़ा बच रहा है इसमें से हम झालर कटिंग कर लेंगे। तो हमारा पूरा जो 3 मीटर कपड़ा है पूरा लग गया है गाउन में। और आपको अगर इसकी पैजामी वगैरह बनानी है तो 2 मीटर और लगेगा, तो पूरा 5 हो जाएगा। लेकिन आपको गाउन अगर फुल घेर चाहिए तो फिर 5 मीटर में गाउन फुल घेर का बनेगा, और 2 इंच हमें पैजामे के लिए लेना पड़ेगा, तो 7 इंच हो गया पूरा, सॉरी 7 मीटर हो गया हमारा कपड़ा। अब देखिए झालर कटिंग करने के लिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ से देख लेते हैं, जिधर से हमारी एक साइड, इधर से हमारी दोनों साइड बंद है, तो जिस तरीके से हमने अभी अपना गाउन कटिंग किया था ठीक उसी तरीके से मैं मोरी का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद देखिए इधर से हमें इस तरीके से नाप लेना है, जितना भी आया उसका हमें, जितना हमने 3 इंच इधर लिया है उतना ही हमें 3 इंच इधर लेना है, तो मैंने 3.5 कर दिया है इधर, इधर भी हम कर देंगे और ये गोलाई दे देंगे। बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है, आप अपनी कमर का नाप या स्लीव्स का नाप इस तरीके से ले सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। उसके बाद देखिए ये हमारी दोनों साइड खुली है इधर से, तो इधर जितना भी आता है हमें उतना ले लेना है, ठीक है। तो इधर 8 इंच आया है, अभी 8 इंच ले लेना है। इधर हमारी दोनों साइड खुली है और इधर हमारी साइड बंद है, ठीक है। उसके बाद देखिए मुझे 10 इंच इधर ले लेना है, इधर हमें कम करना है, इधर हमें ज़्यादा करना है। इधर मैंने 8 इंच लिया था, इधर हम 10 इंच ले रहे हैं। आप इधर 7 इंच भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा जिगजैग चाहिए तो, ठीक है। अब इन निशानों को हमें इस तरीके से मिला देना है, कम की तरफ ले आना है, ज़्यादा से लेकर हमें कम की तरफ इस तरीके से चले आना है, तो इस तरीके से हमारा राउंड हो जाएगा। और जो हम सिंपल स्लीव्स कटिंग करते हैं तो जो हम सेंटर से निशान लेते हैं उन्हीं निशानों पर हम बिल्कुल गोलाई से कटिंग करते हैं, लेकिन अभी ये गोल नहीं है, ये ऊँची नीचे होने वाली है, तो इन निशानों पर मैं अच्छे से कट देती हूँ। ये तो फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। अब देखिए इस तरीके से खोलेंगे हम और इस तरीके से आ जाएगी हमारी स्लीव्स, तो देखिए इतनी ऊँची ऊँची नीचे रहेगी हमारी, होली साइड इस तरीके से आ जाएगी। तो देखिए मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ किस तरीके से आएगा ये। इस तरीके से रखी जाएगी, देखिए हमारी स्लीव्स इस तरीके से आने वाली है, ऐसे हमारे स्लीव्स आएगी। तो अभी जो हमारा गाउन है और जो भी हमारा टॉप है एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स ये याद रखें, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा कल इंशाल्लाह ताला 8 PM पर। तो इस तरीके से हमारा गाउन पूरा होगा, मैंने अभी रख दिया है, ऐसे लेस लग जाएगी यहाँ पर, ये नेक पर लेस लग जाएगी और ये स्लीव्स पर लेस लग जाएगी, तो इस तरीके से हमारा पूरा गाउन दिखेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको सिलना बताऊंगी पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।